गाइस आप लोग तो सदी के सबसे बड़े डांसर माइकल जैक्सन को तो जानते ही होंगे, पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि उनका डेथ कब, कैसे और क्यों हुआ? आप लोगों को नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। माइकल जैक्सन का डेथ 29 जून 2005 को हुआ, जब वो 50 साल के थे, और उनका मौत कार्डियक अटैक के कारण हुआ, जिसमें कि आदमी का धड़कन काम करना बंद कर देता है। और यह इसीलिए हुआ क्योंकि माइकल जैक्सन के शरीर में ज़्यादा मात्रा में बेंजोडाइजेपिन और प्रोपोफोल दवाई डाल दिया गया था, और यह उनके पर्सनल फिजिशियन कॉनराड मूरे के द्वारा किया गया था। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।